उत्तर प्रदेश में बीते 72 घंटे से बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है और बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से सारी स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य जरूरी सेवाएं भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गई हैं। आज देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा पे सभी वितरण केंद्रों के कर्मचारी है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आइए हम उसे बात करते हैं। प्रमुख मांगे वो है कि अब जो मांगे मानी जा चुकी थी, समझौता में हुआ था कि हमने आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछले नवंबर दिसंबर में हम लोग यही आंदोलन कर रहे थे, हम अपनी कुछ जायज मांगों को लेकर जिसे हम अभी आपको बताएंगे। उन मांगों पर सारी सहमतियां बन गई थी और ये ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया था, उनकी अध्यक्षता में ही वार्ता सम्पन्न हुई थी जिसमें माननीय अवनीश कुमार अवस्थी जी जो कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं वो भी मौजूद थे और उनके भी हस्ताक्षर हुए हैं उस समझौते पे लिखित रूप से। उसमें ये चीज़ थी 14 बिंदुओं पर हमारी सहमति बन गई थी और उसे ये था कि 15 दिनों के अंदर में इन सारी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई कर दी जाएंगी, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उन्होंने 15 दिन क्या, आज लगभग 115 दिन हो गए हैं लेकिन आज तक उन बिंदुओं को अमली जमा नहीं पहनाया गया है, न कोई सकारात्मक कार्रवाई की गई है। उन वादों को पूरा करने के लिए हमारे संघर्ष समिति ने डायरेक्ट यहाँ आंदोलन की घोषणा नहीं करी। आपकी जानकारी में आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों ने उस समझौते के पालन के लिए लगातार अनुनय विनय किया है प्रबंधन से मिल करके, ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके, कि आपने 15 दिन का टाइम लिया था, इतने टाइम हो गए हैं उसके बावजूद भी आपने अपने वादे पे नहीं उतरे हैं। निश्चित तौर पे ये वादा खिलाफी हम लोगों के लिए हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है जिसके कारण हड़ताल की नोटिस पर एक महीना पूर्व उसके तत्वावधान में यह हड़ताल चल रहा है। राज्य के बिजली कर्मचारियों द्वारा 72 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया गया था। आज हड़ताल का तीसरा दिन था। हड़ताली कर्मियों के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा वार्ता, कई दौर की वार्ता के बाद आश्वासन मिलने पर आज हड़ताल 72 घंटे के 60 घंटे ही हुए थे और कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।